Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel. कल हमने फिफ्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था. आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज हम पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो कल हमने जनरेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ली थी और वो जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम वर्क करता है. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इंड्यूस इन दिस कॉइल. अब मतलब क्या, तो हम ये डायग्राम के ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो तुम लोगों ने साइंस में तो फोर्थ जो चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें जनरेटर पढ़ा हुआ है. ओके, दीज आर टू मैग्नेट, दिस वन इज नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट एंड दिस वन इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड. तुम लोगों को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ. ओके, अगर इसमें ये जो कॉइल होती है अगर इसको रोटेट किया गया तो देखो यहाँ बल्ब ग्लो हुआ मतलब स्टार्ट हुआ तुम लोगों को दिख रहा है. दैट मीन्स इफ द कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड करंट गेट इंड्यूस इन द कॉइल. ओके, दैट मीन्स एंड दैट्स व्हाई द इंड्यूस करंट फ्लो इनटू द सर्किट कनेक्टेड टू द कॉइल. देखो यहाँ बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें करंट इंड्यूस हो चुका है. और करंट क्यों इंड्यूस हो चुका है? क्योंकि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, रोटेट हो रही. और इसका जो इमेज इसको इन्वेंट किसने किया? दैट इज माइकल फैराडे ने. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, मतलब क्या? अब देखो ये सोलेनोइड टाइप ऑफ कॉइल है और उसको हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? टू डिटेक्ट द करंट. एक करंट क्या करता है? डिटेक्ट करता है. अभी हमने यहाँ क्या लिया? मैग्नेट लिया. और हम क्या करेंगे अभी इसको क्या करेंगे? हम हिलाएंगे इसको, आगे पीछे करेंगे. दैट मीन्स हमने क्या किया? मैग्नेट को मूव किया. तभी क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ना वो क्या हो रही? डिफ्लेक्ट हो रही, मतलब हिल रही. अब इसका मतलब क्या? ये डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है? दैट मीन्स इन दिस कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस गेट जनरेटेड, दैट इज करंट इंड्यूस हो चुका है. ओके, दैट मीन्स एंड दैट्स व्हाई द जो करंट है वो इंड्यूस हो चुका है और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही. द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वे, मतलब क्या? हम जब ये जो होती है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. पहला कौन सा टाइप? दैट इज इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी, मतलब ये जो कंडक्टर दिख रहा है ना तुम लोगों को, इसको क्या करेंगे हम? स्टेशनरी मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे इसको. और इसका कनेक्शन हमने जो पोटेंशियल ये होता है गैल्वेनोमीटर की जगह हमने क्या लगाया अभी? हाँ, वोल्ट मीटर लगाया. अभी वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया है. देन और मैग्नेट को क्या करेंगे हम? रोटेट करेंगे. अभी देखो हम दो टाइप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं. पहले इसमें क्या किया हमने? इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी, कंडक्टर को क्या किया हमने? स्टेशनरी रखा. देखो कंडक्टर को हमने स्टेशनरी रखा और मैग्नेट जो है मैग्नेट को क्या करेंगे हम? अभी उसको रोटेट करेंगे. और उसके बाद क्या होगा? दैट मीन्स अब उसके बाद जो हम करेंगे तो देखो तुम लोगों को यह जो निडल जो दिख रहे तुम लोगों को, तो ये निडल क्या हो रही? डिफ्लेक्ट हो रही. इसका मतलब क्या? करंट गेट इंड्यूस इन दिस कॉइल, करंट क्या हो गया? इंड्यूस हो गया. अब ये हो गई एक टाइप. ओके, दूसरे टाइप में क्या करेंगे? और इफ द मैग्नेट इज स्टेशनरी, अभी क्या करेंगे हम? मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, मतलब उसको मोशन में नहीं लाएंगे. और मूवमेंट किसको करेंगे? अभी मोशन में किसको लाएंगे हम? जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर को हम क्या करेंगे? मूव करेंगे. देखो नीडल जो हो रहे हैं, नीडल जो दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये नीडल क्या हो रहे? डिफ्लेक्ट हो रहे. अब इसका मतलब क्या? तभी भी क्या हो रहा है? करंट इसमें इंड्यूस हो चुका है. दैट मीन्स फील्ड ऑल्सो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस. दस इन बोथ केसेस, कौन से दो जो केसेस हमने देखे? फर्स्ट जो था
कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, है ना। और दूसरा जो था मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड कंडक्टर इज मूविंग, अभी दोनों भी इसमें दोनों भी पोजिशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो जो कंडक्टर होता है ना उसमें। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस ऑन दिस प्रिंसिपल, अब ये जनरेटर जो होता है ना ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस ऑन दिस प्रिंसिपल दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, अभी सच अ लार्ज जनरेटर आर यूज, कहाँ यूज किया जाता है, फॉर कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट में ऐसे बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं उसका यूज किया जाता है। अब ये जनरेटर जो होता है तो उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, तो टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, मतलब क्या, अब ये हमने दो पोजीशन देखा, ये देखे हमने कि एक इसमें हमने क्या किया था, मैग्नेट को रोटेट किया था, तो दूसरे इसमें हमने कॉइल को रोटेट किया था। ठीक है, अभी मैग्नेट को रोटेट करने के लिए हमें कोई तो चाहिए, कोई ह्यूमन बींग बाहर से आया के उसको रोटेट करते बैठेगा क्या, नहीं। दैट मीन्स वो जो मैग्नेट होता है उसको रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टर्बाइन चाहिए। दैट मीन्स टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, ये है टर्बाइन। अब टर्बाइन में ब्लेड्स होते हैं, उसको व्हील होता है, और ये जो टर्बाइन है ये जो जनरेटर जनरेटर में होता है ना मैग्नेट उसको कनेक्ट होता है। अब मतलब टर्बाइन काय के लिए यूज किया जाता है, टू रोटेट द मैग्नेट इधर जनरेटर, एंड टर्बाइन हैज अ ब्लेड। देखो तुम लोगों को ये ब्लेड जैसा पोर्शन दिख रहा है डायग्राम में, दैट मीन्स देर आर ब्लेड विच आर प्रेजेंट इन टर्बाइन। अब जब ये टर्बाइन रोटेट होगा तो देखो ये जो मैग्नेट है ये भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब ये ऐसे कनेक्ट होता है। देन अब ये टर्बाइन को फ्लो करने के लिए कुछ तो भी चाहिए, दैट मीन्स व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस, मतलब देखो एक नोजल होता है उसमें से लिक्विड या गैस का फ्लो टर्बाइन के ऊपर दिया जाता है। दैट मीन्स व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन, टर्बाइन के जो ब्लेड होते हैं ना उसके ऊपर लिक्विड या गैस का क्या किया जाता है, फ्लो दिया जाता है, इसकी हाई वेलोसिटी होती है और उसी वजह से क्या होता है, टर्बाइन रोटेट होता है। अब ये रोटेट क्यों होता है, क्योंकि जो गैस होता है जो लिक्विड होती है उसके पास कौन सी एनर्जी है, फ्लो है ना, इसलिए उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में था बताया था तुम लोगों को, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑब्टेंड ड्यू टू इट्स मोशन, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। और जो लिक्विड और गैस है उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और दिस काइनेटिक एनर्जी वर्क टू रोटेट द ब्लेड ऑफ दिस टर्बाइन। ओके, देन दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर, अभी तुम लोगों को मालूम है कि ये जो टर्बाइन है ये जनरेटर में कनेक्ट है। ओके, अभी देखो ये जनरेटर है, ये टर्बाइन है, उसके ऊपर फ्लो दिया जा रहा है गैस का या लिक्विड का, और ये टर्बाइन मैग्नेट को क्या है, कनेक्ट है। अब जब ये टर्बाइन रोटेट होगा तब ये मैग्नेट भी क्या होगा, रोटेट होगा। ओके, और एंड दस द मैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होंगी उसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी तुम लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, देन अभी मेथड ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड कैन बी रिप्रेजेंट एज, मतलब क्या, फ्लो चार्ट जो होता है फ्लो चार्ट से भी हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है ये हम दिखा सकते हैं। देखो पहला सोर्स टू रन द टर्बाइन, सोर्स कौन सा लिया हमने, लिक्विड या गैस। ओके, देन उसके बाद टर्बाइन आएगा, उसके बाद टर्बाइन को क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर, और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। दिस वन इज द फ्लो चार्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है तो ये है फ्लो चार्ट। देन अभी हमने देखा है टू रोटेट द जनरेटर, ये जो जनरेटर है ये रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टर्बाइन चाहिए, ये हमने अभी देखा है, वी नीड अ टर्बाइन। ओके, अभी टू ड्राइव द टर्बाइन,
टर्बाइन को ड्राइव करने के लिए हमें डिफरेंट सोर्स चाहिए, दैट इज वी नीड एंड एनर्जी सोर्स. डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए चाहिए. एंड बेस ऑन विच टाइप ऑफ सोर्स, मतलब किस टाइप का सोर्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोल है, यूरेनियम मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या नेचुरल गैस है, या सोलर एनर्जी, मतलब किस टाइप के सोर्स हम टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज कर रहे, उसी बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोर्स ना, उसके बेसिस पे क्या होता है, दैट इज स्टीम. देखो इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे हम, उसमें से स्टीम बाहर निकलेंगे एंड विच इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन. उसके बाद क्या होगा, टर्बाइन के ऊपर प्रेशर रहेगा और टर्बाइन क्या होगा, रोटेट होगा. एंड बेस ऑन दिस टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन आर देयर. अलग अलग टाइप के पावर स्टेशन होते हैं, काय के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स. ओके, अब टर्बाइन की डिजाइन भी क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, सोर्सेस होंगे. दैट मीन्स डिजाइन ऑफ द टर्बाइन, देखो ये जो टर्बाइन दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये जो डिजाइन है टर्बाइन का, ये स्टीम का टर्बाइन है. दूसरा जो है ये वाटर का टर्बाइन है. देखो दोनों का भी डिजाइन कैसे दिख रहा है तुम लोगों को, इसका अलग है, इसका अलग है. दैट मीन्स द डिजाइन ऑफ द टर्बाइन यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन, अलग अलग पावर स्टेशन में अलग अलग टाइप के टर्बाइन, डिजाइन के टाइप के टर्बाइन होते हैं. अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो तुम लोगों की एक्सरसाइज में है. कौन सा क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट. बट मतलब टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है, इसका आंसर तुम लोगों को, मतलब ये जो टॉपिक है उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तुम लोगों के एक्सरसाइज में है. ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन.